दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। भगवान वीरो पति बहुत पावन किए गिनती कौन करे कि बाजे छम 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 चमा चम बाजे घोगे दो हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा चम बाजे घोगे दो हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे छम 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 हाथों में दीपक लेके करे आरती हम। बाजे छम 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 चमा चम बाजे घोगे दो हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा चम बाजे घोगे दो हाथों में दीपक लेके आरती करो। आज की आरती आज दिवारी
ही देखो प्रभु चरणों में जन्म लिए प्रभु भक्ति में जा में छुए नाचे बताने आए हैं
का ध्यान मंत्र का
निवेदन किया और उनसे आज्ञा दी कि हम एक सिद्ध शिखर महामंदिर विधान रायबरेली में करना चाहते हैं, जिसका आशीर्वाद उन्होंने दिया। साथ में उन्होंने ये कहा, इससे पहले जो आप विधान कर रहे हैं हम उसमें भी भाग लेंगे। तो 8 दिन का वो विधान इन्होंने वहाँ जा करके शिखर जी में किया, जो संस्कृत का विधान था, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हुआ था। और उसके तुरंत बाद अब ये उस चीज को अपने मंदिर में उपलब्ध कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो आज ये विधान हो रहा है, इस विधान में उन्होंने अपने भाइयों को, अपने पूरे परिवार को, बेटियों को, बहनों को, बुआओं को, यहाँ तक कि समाज में जो लोग हम बाहर चले गए यहाँ से निकल करके, जैसे अविनाश जी हैं, 10 साल हो गए बाहर चले हुए, मेरे को भी 5-6 साल हो गए यहाँ से, और जो गाजियाबाद में जाके बसे, सबको इन्होंने निमंत्रण दिया और सब लोगों ने आने के लिए कहा भी, लेकिन किसी किसी की मजबूरी रहती है, कुछ रहती है, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग यहाँ पर जुड़ गए। तो आज उनकी कृपा से सब परिवार मिलकर के ये विधान रचा रहा है और उन्होंने आपको सभी सुविधाएं दी, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये विधान जो करता है उस ये विधान को करने से मैना सुंदरी ने 700 करोड़ियों का और अपने पति श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर किया और उनको फिर से राजा बनाया। ऐसा कोई काम दुनिया का नहीं है जो इस विधान को करने से आपके घर में संपन्नता नहीं आ सकती या आपका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नियम से करना चाहिए। नियम से करने का मतलब है कि समय पर आओ, समय पर जाओ, समय पर भोजन करो और समय पर ही सब काम करो। दिन का भोजन का मतलब होता है कि 48 मिनट पहले सूरज अस्त होने से पहले भोजन हो जाना चाहिए और आपका भोजन 7 बजे के बाद भी होता है। बताइए आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे आप इसका लाभ, सोच लो 3 बार। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि 2 प्रतिमा के लिए आप नौ का मंत्र पढ़ लीजिए। आई समझ में? तो आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा दी है कि आप कम से कम ये नियम ले लो कि हम 8 दिन कुएं के जल का ही पी तो रहे, खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो आप नियम ले लो कि हम 8 दिन कुएं का जल ही ग्रहण करेंगे और दूसरा का जल ग्रहण नहीं करेंगे। कर सकते हैं इतना काम?
जो कर सकते हो हाथ उठाओ। आप ये भोजन के इसके अलावा तो अलाउड ही नहीं है बाहर जाने के खाने के लिए। अगर जो विधान में आपने भाग लिया है, आपने संकल्प किया आज कि हम विधान कर रहे हैं, विधान के नियमों को पालन करेंगे, नियम भी भाई साहब ने पहले सबको बता दिया, हमारे पंडित जी ने आपने नियम लिया है, आप बाहर का अनाज नहीं खा सकते, बाहर का फल नहीं खा सकते हैं, बाहर का चाय नहीं पी सकते हैं, आपको जो यहाँ मिल रहा है वो ही खाना है, बोलो ये मंजूर है कि नहीं। जिसको ये मंजूर नहीं है इसका मतलब वो भाग नहीं ले रहा, पूजा करे जो करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हमारा इंद्र नहीं है। इंद्र वही होगा या हमारा जो पुजारी वही होगा जो इन नियमों को निभाएगा। एक बार मेरे को मालूम है कि मेरी बात का असर नहीं होता है, लेकिन ये एक आदमी में भी असर होगा तो मेरा मेरा कार्य सफल हो जाएगा। दूसरी बात, हम आपके शहर में आए हैं, क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं बनता कि आप खड़े होकर के हमको भोजन करा दें? वहाँ जो लोग बैठे हैं वो भोजन कराने वाला कोई नहीं है, बोलिए समाज का कर्तव्य है कि नहीं? सुईया भाई साहब ने दे दी, परिवार ने दे दी, भातृ परिवार ने दे दी, तो पांच आदमी खड़े होकर के, दो आदमी खड़े होकर सुबह शाम भोजन नहीं करा सकते हैं अपने अपने साथियों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने अतिथियों को? ॐ नमः श्रीभ्यः, ॐ नमः श्रीभ्यः, ॐ नमः श्रीभ्यः। निधे प्रभो सो दसको जिनेन्द्रस् तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदा अरिहन्त। जय जय सिद्ध प्रभु, जय जय साधु जीवन, जय जय धर्म, जय प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। आनंद नहीं आया, ऊर्जा चेतना उत्साह के साथ जयकारा लगाइए। जितने जितने शाम को भोजन किया थोड़ा और जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की। अभी भी आनंद नहीं आया, थोड़ा और उत्साह से बोलिए, बोलिए देवादिदेव जगत शांति कराए श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव वर्तमान शासन नायक
भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए वर्तमान के वर्तमान अभिनव कुंद कुंद मूक बाणी महाकाव्य रचयिता दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रतिकृति, आचार्य गुरुवर की प्रतिकृति, नवाचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता संका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि मुनि गंगव सुधा सागर जी महाराज की। तीन गंगों करोड़ मुनि राजों की अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। सिद्ध चक्र मंडल विधान की। ओम नमः। आइए कहते हैं पर एकत्रित हुआ है तब जाकर के हमें ये दुर्लभ संयोग मिला। ओम ओम ओम। कोई सामान्य विधान नहीं है, ये सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इसके रहस्य को समझना है। और निश्चित ही ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, जिसके माध्यम से, जिस विधान को करने के माध्यम से वो प्राप्त ना हो सके। अभी आपको बताया गया सिद्ध चक्र महामंडल विधान के एक एक शब्द का अर्थ बताया है कि हम कर तो रहे हैं, विधान में आकर के बैठ गए हैं, लेकिन विधान क्यों कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, क्योंकि सीजन तो आ गया है। सीजन आ गया है। कितनी बार सिद्ध चक्र अष्टानिका का सीजन आता है? कितनी बार आता है? कब कब आता है? फाल्गुन, आषाढ़ और कौन सा? कार्तिक। ये सीजन है। ये सीजन इसलिए आते हैं ताकि हम अपने धर्म का रिवीजन कर सके। किसलिए आते हैं? सीजन इसलिए आता है, ये तीन बार सीजन आता है, इसलिए आता है ताकि हम अपने धर्म का रिवीजन कर सकें। और जब हम अपने धर्म का रिवीजन करेंगे तब जाकर के अच्छा डिवीजन बना पाएंगे। इसलिए ये जो संयोग हमें प्राप्त हुआ है, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि संयोग प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ खेल है, बड़ा दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। हमने कल आपको बात कही थी कि हमें यहाँ पर जो आज बैठकर के जितने लोग बैठ रहे हैं, आप और हम बड़े सौभाग्यशाली भाग्यशाली जीव हैं जो आज यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी, हम सभी बारह भावना पढ़ते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। कितनी बड़ी बात कह दी कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पाना, नरकाया को सुरपति संदे। कहने का मतलब यह है कि हमें कितनी दुर्लभता से ये नर पर्याय प्राप्त हुई है। हम जब छह ढाला पढ़ते हैं, छह ढाला की पहली ढाल पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें अपने आप का बोध होता है कि आखिर हम कितनी गतियों में भटक भटक करके आए हैं, तब जाकर के हमें ये नर पर्याय प्राप्त हुई है। ये बच्चे कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सब भजन गाते हैं, हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, कि हमने चारों गतियों में भ्रमण किया लेकिन हमने जो जिनेंद्र की वाणी है उस वाणी को नहीं माना। हमने भगवान महावीर को तो माना लेकिन भगवान महावीर को माना लेकिन भगवान महावीर के कहे हुए सिद्धांतों को नहीं माना।
हम भगवान महावीर को मानते हैं लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। भगवान महावीर को मानना और भगवान महावीर की मानना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। वास्तव में हम लोग जो बैठे हैं, इससे ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमने निश्चित ही जिनवाणी को सुना, लेकिन जिनवाणी की बातों का हमने अनुकरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि हमने अनुकरण कर लिया होता और सच्चे मार्ग पर चल लिए होते तो हमें इस पंचम काल में जन्म नहीं लेना होता। हमने पंचम काल में जन्म लिया, इसका मतलब है कि हम तीर्थंकर के समोसरण में गए। हम सब जगह भटक भटक करके हमने तीर्थंकर भगवान को उस काल में भी तो हमने जन्म लिया होगा, कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, लेकिन हमने जिनवाणी को सुनी, लेकिन हमने मन की वाणी मानी, मनवाणी मानी। चे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुभाषा, क्या कहते हैं हम दर्शन पाठ में, जिन धर्म की भगवान में नहीं भक्तों की भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज पहला दिन हो गया है। अब आपको पूर्ण चेतना भक्ति उत्साह के साथ ये विधान संपन्न करना है, ताकि आपको मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि जीवन का जब अंतिम समय हो, कोई आपसे पूछे कि आपने अपने जीवन में कितने दिन का जीवन जिया, तो आप क्या कहोगे? नहीं, नौ दिन के हैं, दो चतुर्दशी है, इसमें 9 दिन के अधिकारी। कितने दिन का जीवन? कोई कहे 4 दिन का, कहते नहीं 4 दिन का नहीं 9 दिन का, 4 दिन की जिंदगानी, 4 दिन की नहीं 9 दिन की जिंदगानी। और सच्चे अर्थों में 9 दिन, वही कौन से 9 दिन? तो कहते ना 17 मार्च से 25 मार्च 2024 रायबरेली में हमने किया था, और बापरिवार परिवार का जो संयोजन में जो विधान संपन्न हुआ था, उसमें जो हमने जीवन दिया, उसमें जो आनंद दिया, वो जीवन के अद्भुत क्षण थे, अनुपम क्षण थे। क्योंकि समय तो निकल रहा है, पल पल तरसते थे जिन फलों के लिए। सुनील जी भाई साहब, आप 5 वर्षों से लगे थे, आपकी भावना में बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि पल पल तरसते थे जिन फलों के लिए, अब वो पल आ गया है कुछ पलों के लिए। ध्यान से सुनना, पल पल तरसते थे जिन फलों के लिए, वो पल आ गया है कुछ पलों के लिए। और सबसे बोलना, इन पलों को संजो लेना कुछ पलों के लिए, इन पलों को संजो लेना कुछ पलों के लिए, नहीं तो ये पल भी चला जाएगा हर पलों के लिए, नहीं तो ये पल भी चला जाएगा हर पलों के लिए। इस पल को संजोना है, एक एक क्रिया में बड़े उत्साह आनंद के साथ जीना है, तब जाकर के सिद्ध चक्र लगेगा आपको। जाना पर पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर महाराज जी कहना, पूज्य गुरुदेव आपने जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद का प्रतिफल हमने जीवन के उस 9 दिन को जिया, आनंद लिया है। तो कहने का मतलब यही है कि हम सिद्ध चक्र का जो पाठ कर रहे हैं, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान कोई सामान्य नहीं है, संयोग मिला है, उपयोग कर लो, वियोग तो हो ही जाना है। और ऐसे भी लोग होंगे इसी समय जो घर में बैठे क्या कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो अभी ईयरबड्स अपने कान में लगा करके बॉलीवुड के गाने सुन रहे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सबको मिला है, उसका उपयोग करें, ताकि हम भी उस पुण्य के वर्धन से हम भी एक दिन उस परमात्म तत्व को प्राप्त करें, हम भी अपने जीवन को, इस नर पर्याय को सार्थक कर पाए, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार से प्रतिदिन अब धीरे धीरे क्रम बढ़ेगा, है ना, 8, 16, 32, 64, 128, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय भी बढ़ेगा, लेकिन किसी को कोई आतंकता वाली बात नहीं है। पूरा आपको बताइए कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, थोड़ा और जोर से ताली बजाओ हमारे पूरे भारतीय वाले परिवार के लिए, इतना बढ़िया। अशोक भैया जी का भी आज फोन आया, ब्रह्मचार्य अशोक भैया जी, वैसे उनको आना था लेकिन आचार्य भगवान के पास थे, अस्वस्थता चल रही थी, और योग से प्रमाण ठाकर महाराज जी के संग विहार कर रहे थे, और आनंद जी भाई साहब का फोन पहुंचा राजकुमार जी के पास, और उन्होंने कहा महाराज जी बताइए कैसे होगा, क्या होगा, विधान क्या होगा।
महाराज जी बोले कि निश्चिंत रहो, आपका विधान होगा और भक्त होगा। और तुरंत में बाहर में खड़ा था, कहते इस बार बिकर शास्त्री जाएंगे, तो हमें भी ये पुण्य लाभ मिल गया। ये भी हमारा ही पुण्य का संयोग है कि जो मुझे भी यहाँ पर सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, मैंने भी बहुत विधान कराए हैं, जाते रहते हैं, लेकिन शुद्ध यहाँ पर कुएं का और सबको भोजन कराना ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलती। इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस हमें खुद व्यवस्थित होना है, इसका लाभ लेना है, पुण्य लाभ लेना है। कोई बोली बोली छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं, केवल एक उद्देश्य है, प्रभु की भक्ति करना है। बस प्रभु की भक्ति करते करते हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग